डियर स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख वर्ण और उनके वितरण। तो वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और विश्व में भी दो प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, उनका उपविभाजन हुआ है। तो उपविभाजन भी देखेंगे और उनका मुख्य रूप से प्रकार दो होता है, एक उष्णकटिबंधीय और एक समशीतोष्ण यानी कि उपोष्णकटिबंधीय। क्योंकि शीत कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, हमेशा बर्फ रहता है, इसलिए उस क्षेत्र में वनस्पति नहीं पाए जाते। तो आपके कटिबंध के आधार पर दो ही कटिबंधी आपका वन पाए जाते हैं और इसका उपविभाजन हुआ है। विश्व में इसका वितरण भी इसमें दर्शाया गया है और उसके प्रकार भी दर्शाया गया है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये कौन सा क्षेत्र है आपका? भूमध्य रेखी वन है, जहाँ पर क्या होता है, हमेशा जो क्या रहता है, तापमान अधिक रहता है और वर्षा भी अधिक होता है और वने भी मतलब कि वन झाड़ी वगैरह भी घने हैं। फिर है ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ मानसूनी वन, यानी कि ये क्या है, मानसूनी क्षेत्र में आपका पाए जाते हैं, मानसून एशिया वगैरह में। फिर है शीतोष्ण कटिबंधी, तो ये जो वाला जो क्षेत्र है, यह आपके जो कर्क रेखा वाला क्षेत्र है या मकर रेखा वाला क्षेत्र है, उधर पाए जाते हैं। तो ये समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन। तो आपके जो उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन पढ़े, इसके बाद मानसूनी वन पढ़े, उसके मानसूनी वन के ऊपर ये वाला पाया जाता है। फिर है भूमध्य सागरी वन, भूमध्य सागरी जलवायु जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में ये इस प्रकार के वन। समशीतोष्ण मिश्रित वाला वन, यानी कि ये जो आपका दोनों क्षेत्र है इसके मध्य में पाए जाने वाला वन है। फिर है समशीतोष्ण कोणधारी वन, तो ये आपके जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पास पाए जाते हैं, टेंगा टुंड्रा प्रदेश में। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। एग्जाम की वजह से इसे हम शॉर्ट रूप में प्रस्तुत किए हैं। यदि ठीक लगे तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे।